हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। इसकी मैंने चौड़ाई 3.5 इंच ली है और लंबाई मैंने 35 इंच ली है। और मैंने ये आरकंडी वाला कपड़ा लिया है। अब हम इसे इस तरह से सिल लेंगे, इस तरह से। ये कपड़ा मेरा सीधा है और ये भी। ये मैंने तीनों तरफ तीन साइड से सिलाई लगा ली है और ये मैंने सीधा करके ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा ली। इससे प्लेट भरने में आसानी रहेगी। और ये मैं साइड्स में, ये मेरे पास टिशू रिबन है, इससे मैं ये साइड लॉक कर लूँगी इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पे मैं लेस लगाऊँगी ये वाली, उस तरह से, इस तरह से लगा कर मैं दिखाती हूँ। मैंने ये लेस लगा लिया है यहाँ पे पूरे में। अब मैं यहाँ पे साइड से ये टिशू रिबन है से इस तरह से लगाऊंगी, इस तरह से इसकी किनारी लॉक कर लूँगी। इस तरह से लगा कर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने टिशू रिबन लगा के तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से चुन्नट लगाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। मैं चुन्नट लगाकर अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने चुन्नट डाल के तैयार कर ली है। ये मेरे नेफा जो 4 इंच का है। अब इसमें मैं इस तरह से डोरी लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से डोरी लगा लेंगे। इसकी चोली के लिए मैंने कपड़ा 3.25 इंच चौड़ा लिया है और ये लंबाई इसकी मैंने 9 इंच ली है। अब हमें इस तरह से इसको 1 इंच की पट्टी बना के दिखाती हूँ। इस तरह से लेंगे 1 इंच में। अब मैं यहाँ पर टिशू रिबन लगा के इस तरह से दिखाती हूँ, इस तरह से। यहाँ पे मैंने टिशू रिबन लगा के तैयार कर ली है और ये हम बीच में से हम इसको कट कर लेंगे, इस तरह से, बीचों बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, इस तरह से। यहाँ पे मैं डोरी लगा के दिखाऊंगी, इस तरह से।